सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आप सबका गोगो और मैं जुवी। गाइस, फर्स्ट पार्ट में ट्रुथ एंड डेयर मैंने इनके साथ किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था। बहुत सारे कमेंट्स आए कि जुवी गोगो भाई से क्वेश्चन पूछो। आ गया है पार्ट टू, इंतजार हो गया खत्म आप सबका। मैं रेडी हूँ, आप क्वेश्चन पूछने रेडी हो? ऑब्वियसली आप देखने रेडी हो। चलो पूछो, मैं रेडी हूँ आंसर देने के लिए, सारे ट्रुथ के भी और डेयर के भी। पहला क्वेश्चन ये है, आपने फर्स्ट टाइम रोया कब था या लास्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तो तब रोया था जब मैं पैदा हुआ था। दुनिया में आते ही रोते रोते हुआ। और लास्ट टाइम? लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम ऐसा हम रोते हैं, एक जो दिखता है आंखों से निकलता है और एक हम मन से रोते हैं। तो जो दिखता है वो मैं रोया था अपनी दीदी के विदाई के दिन। रोया था मैं इसके लिए, मुझे बनानी थी विदाई की वीडियो और उसपे आया मैं 4.3 मिलियन क्रॉस हो गया रील्स पे व्यूज। ये वीडियो दीदी तक नहीं जाना चाहिए, दीदी देख रहे हो ना। और जो मैंने बोला मन से तो मैं बहुत ऐसे देखो सॉफ्ट सॉफ्ट मूवमेंट्स पे भी रोना आ जाता है मुझे, लेकिन मैं मेरे आंखों से नहीं दिखाता हूँ। ये रहती है मेरा चेहरा ऐसा और मैं अंदर से थोड़ा रो देता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपको स्कूल में कैसे बच्चे थे? मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा था। हो ही नहीं सकता। मैं स्कूल में ऐसा बच्चा था ना, बैठता था लास्ट सेकंड बेंच पे, तो स्कूल टाइम मेरा ऐसा था कि मेरे सारे टीचर्स मुझसे बहुत परेशान थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा नहीं होता था। और मंथ या 15 डेज में पेरेंट्स मीटिंग होता था, मेरी मम्मी जाती थी और हर बार मेरी मम्मी कंप्लेन भरे लिस्ट के साथ घर पे आती थी और मेरे पापा मुझे ऐसा बचपन से मार खाते आ रहे। ऐसा बच्चा था मैं। और ये आज भी डांट सुनते। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है या फिर ये बोलो कि बहुत लोगों को जानना है, तो आपके नाम के आगे मतलब गोगो 2728 की क्या ही मिस्ट्री है, जरा बताओ हमें। 2728 का नहीं, पूरा गोगो तो या ये यूनिक है, बहुत यूनिक है गोगो। सो आज नाम सबको जानना है। गोगो नाम मैंने एक बार पहले भी शायद कोई इंटरव्यू में किसी में तो बोला हूँ। गोगो नाम मेरा इसलिए है क्योंकि देखो इसका दो रीज़न है। मैंने फर्स्ट रीज़न ये रखा था कि मेरा नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबको याद हो जाए तुरंत, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। तो चार वर्ड का, चार स्पेलिंग, बहुत इजी, GOGO गोगो। ये हो गया इस वे में कि याद हो जाए। और दूसरा ये था कि इस आईडी से पहले मैंने इसी आईडी को ममाज बॉय रखा था, तो वो मैंने तब चेंज किया क्योंकि जब मेरी स्टार्टिंग थी तब मैं आउटडोर्स वीडियो बनाता था एंड आउटडोर्स वीडियो में मेरे साथ ये होते थे ना कि लोग मुझे भगा देते थे, तो वो जो भगाते थे ना हिंदी में उसको मैंने कर दिया इंग्लिश में, जा यहाँ नहीं बनाना वीडियो, उसको मैंने कर दिया गो और फिर एक बार लगा दिया और एक गो, तो हो गया गो। और 27-28 मेरा बर्थडे 27 दिसंबर, 28 अक्टूबर का दीपेश का बर्थडे, तो 27 के बाद तुरंत 28 आता है, इसलिए 27-28। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए उसका और मेरा बर्थडे 27-28, तो हो गया गोगो 27-28। ओह माय गॉड, अब आगे नाउ इट्स टाइम टू डेयर ना, ट्रुथ हो गया बस। हाँ, नहीं ना। हाँ, द फर्स्ट डेयर ज्यादा ही सच्चाई नहीं हिलाना चाहिए कैमरे पे वरना फिर। तो फर्स्ट डेयर आपको ये है, इफ सपोज करो कि आपके पास मिलियन ऑफ रुपीज आ जाए, मतलब मिलियंस। हाँ. सो अब सबसे पहली चीज क्या करोगे? सबसे पहली चीज मैं ये करूंगा कि मेरे घर में मेरी मम्मी ने बहुत गरीबी देखा है, उसको बहुत बहुत कुछ दिलाऊंगा, बहुत कुछ, रानी बना दूंगा, रानी से भी रानी, महारानी, महारानी बना दूंगा। दूसरा ये करूंगा कि फिर मैं मेरे लिए करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं मेरे लिए करूंगा, बहुत सारे शॉपिंग करूंगा, बहुत सारी गाड़ियाँ लूँगा, बहुत सारे बंगलोज लूँगा, यहाँ पे वहाँ पे फार्म हाउस वगैरह, फिर करूँगा पब्लिक के लिए। अब यहाँ पे मुझे कमेंट्स आएगा कि गाइस शुभम ब्रो पहले अपना देख रहे फिर पब्लिक का, भाई सब देखते ये बात सच है, सब देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं चाहता तो फेक भी बोल देता, मैं बोल देता मैं गरीब हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो फेक है, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ। अब करूँगा उनके लिए जिनको नीड है,
जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे, बिन बताए भी किसी का मदद कर देना, मदद करूंगा लेकिन उसे कभी रिवील नहीं करूंगा, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं यहाँ पे बोलूंगा, लेकिन ऐसे इंसान को मदद करूंगा जिसको सच्ची में उस चीज की नीड हो, जैसे कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ऐसे लोगों को, हैंडीकैप। वी आर प्राउड ऑफ यू गोगो। अब जल्दी तो सेकंड एयर है यार, सामने ट्रे रखा है ना, हाँ, उसमें पानी का ग्लास है, हाँ, ये पूरा ग्लास पानी पीना है बस, बिना हाथ लगाए। ये गलत है यार, मैंने आपको ना बॉटल दिया था। चलो चलो तुम कहाँ पकड़ो, ऐसे ऐसे कैसे पी सकता हूँ, लेकिन ये पकड़ सकता हूँ ना, ये पकड़ सकता हूँ ना, जो पकड़ो, हाँ बस। जीत गए यार। दूसरा द थर्ड डेरीज, आपका मोबाइल नंबर बताओ, बहुतों को जानना है यार, इतने कमेंट्स आते हैं ना, इतने कमेंट्स आते हैं, मतलब हर हर चीज कर देंगे, बस अब नंबर दे दो सर, नंबर दे दो, नंबर दे दो, आज दो नंबर दो। 93 93 593 593। याद ही नहीं आ रहा है क्या? ओके ओके, याद ही नहीं आ रहा है गाइस। 93 593 सब कुछ इसमें ही बता देंगे क्या? इंतजार करो, मिलेगा, सबसे बातें करेंगे। तो गाइस होप सो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड नंबर के लिए सॉरी। अगर ऐसी वीडियोस, मजेदार वीडियोस हमारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। आप में से कुछ लोग हमें कमेंट में बताया करें कि हम नेक्स्ट वीडियोस किस टाइप में बनाए, मतलब चैलेंज, प्रैंक, तो किस चीज पे बनाए, हम लोग को ना टॉपिक नहीं मिल पाती है जल्दी कि आप लोग किस चीज से एंटरटेनमेंट होता है। चलो गाइस बाय बाय, आई लव यू ऑल, अच्छे से रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी। बाय 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 बाय।